नमस्कार दोस्तों, लाइव न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सुनेंगे कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के बीच झगड़ा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपातकाल की घोषणा हुई थी तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार लुईस एम सिमंस द वाशिंगटन पोस्ट के संवाददाता के रूप में दिल्ली में तैनात थे। उन्हीं दिनों अमेरिका के इस प्रतिष्ठित अखबार में सिमंस की यह खबर छपी कि एक डिनर पार्टी के दौरान संजय गांधी ने अपनी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कई थप्पड़ मारे। Scroll.in को ईमेल पर दिए एक साक्षात्कार में सिमंस याद करते हैं कि उन्हें यह खबर कैसे मिली और जब आपातकाल हटने के बाद वे सोनिया, राजीव और इंदिरा गांधी से मिले तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। इस साक्षात्कार के संपादित अंश में लिखा गया है कि घटना आपातकाल लगने से पहले एक निजी डिनर पार्टी में हुई थी, जो आज से 40 साल पहले हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार कूमी कपूर ने अपनी एक हालिया किताब द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री में लिखा है कि यह खबर जंगल में आग की तरह फैली थी। सेंसरशिप की वजह से किसी भारतीय अखबार ने इस खबर पर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन इस खबर को दूसरी विदेशी मीडिया समूहों ने खूब चलाया। न्यूयॉर्कर मैगजीन ने इस पर प्रतिष्ठित पत्रकार वेद मेहता का एक लेख भी छापा था। आपातकाल हटने और 1977 में इंदिरा गांधी के सत्ता से बाहर होना, ये सारी उलझी हुई बातें हैं, जो शायद संजय गांधी होते तो कुछ और ही स्टोरी बनती। कुछ और खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए हर खबर आप तक पहुंचाती रहूंगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।